देख रहे हैं जनवार टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज नंद नगरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पार्क में क्रिकेट लीग का उद्घाटन। इस क्रिकेट लीग का उद्घाटन श्री आलोक कुमार आईपीएस संयुक्त आयुक्त पुलिस पूर्वी रेंज ने किया। यह टूर्नामेंट 23 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 30 नवंबर तक तथा समापन 30 नवंबर को होगा। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति जागृति पैदा करना, पुलिस और जनता के बीच उचित तालमेल बनाना, युवाओं में नशा की लत को रोकना, अपराध मुक्त भारत और नागरिकों को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना है। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्देश्य समारोह की बल्लेबाजी श्री वेद प्रकाश सूर्या जी आईपीएस डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, श्री आनंद कुमार मिश्रा आईपीएस डीसीपी नंद नगरी ने किया। क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन में अमन कमेटी के सभी पदाधिकारी श्री ओमवीर सिंह चौहान, चंद्रपाल मास्टर जी, जनाब रहीस मलिक, जनाब मतलूब राणा आदि शामिल हुए। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। आनंद सर जी स्ट्राइक संभालेंगे। आनंद मिश्रा जी स्ट्राइक पर, वेद प्रकाश सूर्या जी नॉन स्ट्राइक पर। मोहसिन गेंदबाजी करेंगे। मोहसिन संभालेंगे अपने टीम की तरफ से गेंदबाजी का कार्यभार। आनंद मिश्रा मोहसिन की गेंद और आनंद मिश्रा जी ने इसे पहली गेंद को एक रन में तब्दील कर दिया। स्ट्राइक वेद प्रकाश सूर्या जी के पास। और ये कैच आउट हो सकते थे लेकिन मुझे लगता है नाम से घबरा गए कि कल को क्या कहेंगे। जिस हिसाब पहले गेंद पे कैच आउट कर दिया। ऑफिशियल के हाथों से खेल दिया बिना किसी रन के। मौसम की बॉल और ये घुमा के मारना चाहते थे, बैटे बॉल को कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। गेंद सीमा रेखा के पार जा रही है और ये गिर भी सकते हैं बेचारे की साफ तो, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। ये चौका मिला दिल्ली पुलिस को, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। अपनी उम्र से ऊपर जाकर के जो एफर्ट दिखाया उसका बहुत बहुत स्वागत। बहुत लंबा ग्राउंड होता तो एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ सकती थी। और इस रोके मार दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए चौका। ये बेहतरीन शॉट मेरे ख्याल में 50 समझ में अपनी हो गई पूरी और पल्ला दिखा दिया। अभी 50 नहीं हुई है। ऑफ समझी काफी बाहर गेंद ओवर की समाप्ति 48 रन बन चुके हैं यहां पर। 48 रन एक विकेट के नुकसान पर दो बल्ले।
पहले जा चुके हैं, जो प्रकाश सूर्य है जी पर स्ट्राइक है अभी, और ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर। बोलो नाम। तैयब अली जान के दुश्मन आज यहां पर गेंदबाजी करते हुए, और ये घुमा के मार दिया। छोड़ दे, मुझे इस मैच पर कुछ कुछ मैं कह नहीं सकता क्योंकि यही गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन आईसीसी की जांच करानी पड़ेगी, कुछ संदिग्ध चीजें यहां नजर आती हैं। और नेक्स्ट में काफी बाहर थे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए यह दिल्ली पुलिस शॉक का। ठीक है तब से बीसीपी और एसीपी की एंट्री हुई है इस दौर में, रनों की बौछार हो रही है, बोलर भी तब से बहुत बढ़िया बढ़िया लगाए गए हैं, और फिर एक बार लास्ट में काफी बाहर बिल्कुल कार गेंद कही जाएगी, आसानी के साथ दौड़ के एक गेंद ले लिया है। बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के मद्देनजर, और ये तैयब अली जान के दुश्मन अब किन निजी कारणों से इनको गेंदबाजी पर लाया गया मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल सकता, लेकिन काफी थके हुए गेंदबाज लग रहे हैं और महंगे साबित होंगे, पहले से ही लग रहा था लेकिन कुछ ज्यादा ही महंगे साबित हो गए। ऑप्शन के बाहर गेंद, और गेंद नास्ती कुत्ती सिर्फ एक रन के लिए, शॉट काफी अच्छा था लेकिन दिशा नहीं मिल पाई सही, और एक रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता पहुंच गया 56 पे, 50 रन से ऊपर पूरे हो चुके, ताले स्वागत की जगह दिल्ली पुलिस का 50 रन भी पूरे हो चुके हैं केवल एक विकेट नुकसान पर। नौ ओवर के समाप्ति पर और अब गेंदबाजी अभी तैयब अली का और पूरा नहीं हुआ मुझे लगता, क्या था मुझे समझ नहीं आया, नौ रही फ्री हिट होगी यहां पर, नो बॉल है यहां पर फ्री हिट, जैसे मर्जी मारो आउट नहीं होगी, किस बॉल पर जमानत मिली हुई है, पहले बेल मिल चुकी है, आप कुछ भी करें आपको जेल नहीं होगी। सफलता नहीं मिली तैयब अली, इनका नाम क्या है, कौन से भाई, शौकीन भाई, सलीम को फिलहाल करीम दिखाते हुए, इतनी दूर फेंक गया है कि शायद उन्हें खुद गेंद लानी पड़े तो रास्ते में ही बेचारे कर सकते हैं, बहुत तोड़ गई गेंद 6 रनों के लिए, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, जब दिमाग नहीं चला तो ताकत दिखा दी, और 6 रन साथ पहला छक्का है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।